Okay, good morning students. So today we will learn many new concepts about inventory management. So you need to pay attention. These concepts are very important, and even in your college years you will learn these concepts. So here there are few terms which you need to understand. Okay, first is EOQ or economic order quantity. You know, in companies what they do, they need to maintain the stock properly. It means after some time, if they feel that stock is getting reduced, then they will order for the new stock. अब ये न्यू स्टॉक जो ऑर्डर करना है वो ज़्यादा क्वांटिटी में करे या कम क्वांटिटी में करे या कितनी क्वांटिटी में करे, ये एक बड़ा क्वेश्चन है. ओके, अगर आप बहुत बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर करते हो तो उसका क्या है, एक एडवांटेज भी है, सस्ता मिलेगा बराबर. लेकिन डिसएडवांटेज है कि आपकी स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑर्डर कर ली है. एंड रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू. तो कंपनी को ऑर्डर कितना करना चाहिए, दैट इज डिसाइडेड बाय मैथमेटिकल फॉर्मूला एंड दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. सो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी विच इज मोस्ट इकोनॉमिकल टू ऑर्डर, यानी कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर देना चाहिए विच इज मोस्ट इकोनॉमिकल, यानी कौन सा सस्ता पड़ेगा. ओके, कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर देना हमारे लिए फायदेमंद होगा, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड EOQ. ओके, सो इट इज द क्वांटिटी फॉर विच ऑर्डर शुड बी प्लेस. मैंने कहा ना कि कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर करना है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ EOQ. ओके, सो क्वांटिटी फॉर विच ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड, जब स्टॉक खत्म होने की तैयारी में है, वेन द स्टॉक रीच इज री ऑर्डर लेवल. और इसीलिए EOQ का दूसरा नाम है ROQ, यानी री ऑर्डर क्वांटिटी. री ऑर्डर का मतलब है कि जब स्टॉक कम हो गया है तब आपको री ऑर्डर, फिर से ऑर्डर करना पड़ेगा. ओके, और कितना ऑर्डर करना है, तो री ऑर्डर क्वांटिटी एंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मीन्स द सेम थिंग. री ऑर्डर क्वांटिटी एंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मीन्स दैट एज एन वेन स्टॉक रीचिस री ऑर्डर लेवल. अब आप सोचोगे सर ये री ऑर्डर लेवल क्या है. ओके, री ऑर्डर लेवल यानी फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मैंने डिसाइड किया है कि मेरी कंपनी में 1000 यूनिट्स रॉ मटेरियल के होने ही चाहिए बराबर. तो मेरे पास स्टॉक था 3000 का, धीरे धीरे करके आई स्टार्टेड यूजिंग रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम माई स्टॉक एक्चुअली रिड्यूस्ड एंड इट केम टू 1000 यूनिट्स. ओके, व्हाट आई हैड डिसाइडेड, अब ये 1000 यूनिट्स ओके तक वो पहुंच गया है, मुझे उतना स्टॉक रखना है, तो मैं क्या करूँगा, आई विल रीऑर्डर. ओके, मैं क्या है कि दूसरा स्टॉक मंगा लूँगा. सो रीऑर्डर लेवल एंड रीऑर्डर क्वांटिटी दोनों अलग अलग है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, रीऑर्डर लेवल is the level at which when you reach you will start ordering. Okay, so yahan par I hope you are able to understand the difference between reorder level and reorder quantity. Reorder level aapko batayega kab order karna hai. Okay, so let me simplify this for you. Reorder level मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, री ऑर्डर लेवल विल स्पेसिफाई व्हेन टू ऑर्डर न्यू स्टॉक, यानी कब नया स्टॉक मंगाना है वो री ऑर्डर लेवल से पता चलेगा. And another concept is reorder quantity. Reorder quantity is also called economic order
quantity, or it is denoted popularly as EOQ, economic order quantity. Now EOQ will tell you how much या फिर how many units of stock to order. Okay, यानी कब लेना वो है reorder level, और कितना लेना है, how many units to purchase or how many units to order, वो है reorder quantity. So I hope you are clear about reorder quantity. Okay, so there are two important concepts relating to this thing. So in a company there are basically two types of inventory cost. Okay, सबसे पहला cost होता है ordering cost. When we order for any particular things, then there are few cost. Okay, अब क्या क्या cost होते हैं ordering cost में. सबसे पहले cost of placing an order. मान लेते हैं कि आप order कर रहे हो कोई special software से, okay? या फिर let's say कि आपने order किया है by sending your person to that particular vendor, तो वो person वहाँ पर जाएगा, okay? तो उसका जो भी expense होगा and okay, moving from your factory to the place of vendor, तो ये है cost of placing an order. Okay, so it is the cost of placing an order. Then आपका person वहाँ गया, then वो कहेगा इतनी goods factory में आप भेजिए. So then cost of transportation होगा. Okay, so let's say कि उसने तो अपने वहाँ पर क्या है truck में वो माल चढ़ा दिया और वो ट्रक आ गया, तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. फिर गुड्स आपके फैक्ट्री में आ गए, देन यू नीड टू अनलोड इट. ओके, आपने अपने या फिर कोई दूसरे बाहर के लेबर्स को यूज़ करके उन गुड्स को ट्रक से निकाला एंड फैक्ट्री में रखा. सो इट इज़ द कॉस्ट ऑफ रिसीविंग द गुड्स. ओके, एंड उसके बाद जो गुड्स क्या हैं कि आप फैक्ट्री में रखते हो, उससे पहले यू ऑल्सो नीड टू डू सम इंस्पेक्शन, so that only good quality products are getting inside your factory. So it is called quality control or inspection. So तब जाके ये good, यानी आपने फ़ोन किया कि हमें goods चाहिए, and तब से लेकर जब actually में goods आपके गोडाउन में आ गए, तब तक ये खर्चे हुए. तो cost of placing an order, cost of transportation, cost of receiving, loading, unloading is included in this, as well as cost of inspection. ये cost होता है ordering cost. Okay, order किया और माल आया, तब तक का जो cost है, it is called ordering cost. Now there is inverse relationship between the order की size and ordering cost. यानी in simple words, if you order in large size, देखो when I say ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम कैलकुलेट होता है. सो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम. ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस विथ एग्जांपल. ओके, लेट से इन अ ईयर यू नीड 12,000 यूनिट्स पर एनम. पूरे साल में 12,000 रॉ मटेरियल के यूनिट्स खरीदने हैं, बराबर. अब मैं केस नंबर वन लिखता हूँ कि आप 6,000 का आप क्या है ऑर्डर करोगे बड़ी क्वांटिटी में. तो मुझे बताओ, अगर 6,000 यूनिट्स ऑर्डर करोगे तो कितनी बार ऑर्डर करना पड़ेगा साल में? यस, टू टाइम्स. एक बार 6,000, दूसरी बार 6,000, तो आपको दो बार ऑर्डर करना पड़ेगा. एंड केस नंबर टू, अगर आप कम क्वांटिटी ऑर्डर करते हो, मान लेते हैं यू आर ऑर्डरिंग इन स्मॉलर क्वांटिटी, सिर्फ 1,000 यूनिट्स ही मंगा रहे हो, तो पूरे साल में 12,000 यूनिट्स के लिए कितनी बार ऑर्डर देना पड़ेगा? गेस. यस, यू गेस्ट इट करेक्टली, 12 टाइम्स. 12,000 यूनिट्स की ज़रूरत है, और अगर 1,000 यूनिट्स मंगा रहे हो,
सो 12 बार ऑर्डर मंगाना पड़ेगा, ऑर्डर करना पड़ेगा। सो जितनी बार ज़्यादा ऑर्डर करोगे उतनी बार ऑर्डर का खर्चा बढ़ता है। ओके, सो नाउ अब ये स्टेटमेंट का मीनिंग समझो। लार्जर द ऑर्डर साइज, यानी 6000 यूनिट्स का एक साथ ऑर्डर दे दो तो कम ऑर्डर करने पड़ेंगे। ओके, यानी फ्यूअर ऑर्डर्स, कम ऑर्डर्स करने पड़ेंगे तो फिर आपका जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। ओके, एक प्रैक्टिकली बताता हूँ। मान लेते हैं कि आप 6000 यूनिट्स एक साथ ऑर्डर करते हो। ओके, तो उसको अनलोड करने के लिए, फॉर एग्जांपल रिसीव करने के लिए आपने कोई मजदूर को बाहर से बुलाया, फॉर एग्जांपल। तो अब सोचो कि वो मजदूर आते हैं ना, तो वो ऐसा नहीं होता कि भाई लेट से कि कुछ घंटों का ही उसका पेमेंट, या तो वो हाफ डे का वेजिस लेगा या तो फुल डे का लेगा, बराबर है। तो अगर आप ये 1000 यूनिट्स उससे क्या है अनलोड करवाओगे, भले उसको एक घंटा लगेगा बट फिर भी वो हाफ डे का चार्ज ले लेगा। और जब आप ज़्यादा क्या है कि उससे ऑर्डर करवाओगे तो आपको इकोनॉमिकल पड़ेगा, क्योंकि वो हाफ डे में या फिर फुल डे में आपका पूरा माल अनलोड कर देगा। ओके, सो दिस इज़ द थिंग कि जब एक साथ आप क्या है चीज़ों को ऑर्डर करते हो तो पूरे साल में कम ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगा। एक और एग्जांपल, ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप 6000 यूनिट्स ऑर्डर करते हो सकता है 6000 यूनिट्स पूरे ट्रक को ऑक्यूपाई कर ले, यानी आपका ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट जो है पर यूनिट वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओवर 6000 यूनिट्स। लेकिन अगर आप सिर्फ 1000 यूनिट्स ऑर्डर कर रहे हो सकता है कि ट्रक ऑलमोस्ट क्या है कि थोड़ा ही भरा हुआ है, 25% या 50% ही भरा हुआ है, बाकी ट्रक खाली है। बट यू नो कि व्हेन वी गो बाय लेट्स से कि कार और ऑटो, तो वेदर यू आर सिटिंग अलोन और वेदर यू आर सिटिंग 3 or 4%, चार्जेस आर सेम। सो हियर सेम थिंग हैपन्स कि अगर आप ज़्यादा एक साथ ऑर्डर करते हो, ओके, तो पूरे साल में कम ऑर्डर्स करने पड़ते हैं तो योर ऑर्डरिंग कॉस्ट बिकम्स लोअर। और जब कम छोटी छोटी क्वांटिटी में ऑर्डर करोगे तो बार बार ऑर्डर करना पड़ेगा, सो इन दैट केस आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट पूरे साल का बढ़ जाएगा। ओके, सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ इन्वेंटरी कॉस्ट विच इज कॉल्ड ऑर्डरिंग कॉस्ट। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप इज कॉल्ड कैरिंग कॉस्ट। ओके, नाउ कैरिंग कॉस्ट इन सिंपल टर्म्स मीन्स स्टोरेज कॉस्ट। मीन्स वंस योर गुड्स हैव रीच्ड योर फैक्ट्री देन आफ्टर दैट ऑल्सो यू इंकर सम कॉस्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल स्टोरेज स्पेस, रेंट पर आपने जगह ली है, ओके, स्टोरेज स्पेस, सो दिस इंक्लूड्स रेंट। सो रेंट का खर्चा, ओके, वो कैरिंग कॉस्ट है। एक बार फैक्ट्री तक पहुंचने के लिए जो खर्चा है वो है आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट, और फैक्ट्री में पहुंचने के बाद जो एक्सपेंडिचर है वो है स्टोरेज कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट। ओके, देन यू नो कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग द मटेरियल्स विद इन द फैक्ट्री, मीन्स विद इन द गोडाउन ऑल्सो यू नीड टू मूव द गुड्स, ओके, एज पर द अवेलेबिलिटी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। फॉर देट यू ऑल्सो नीड टू अरेंज सम स्टोरेज स्टाफ, गोडाउन में जो पर्सन्स है वो रखने पड़ेंगे। तो ये दोनों के जो खर्चे हैं, प्लस कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, बिकॉज यू नीड टू टेक फायर इंश्योरेंस इफ देर इज़ अ फायर इन योर गोडाउन, देन यू कैन रिकवर मनी फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। सो टू कवर दिस रिस्क ऑफ फायर यू कैन गो फॉर इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस इज ऑल्सो कैरिंग कॉस्ट, क्योंकि आपने स्टोर किया था, इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। ओके, अगर डायरेक्टली जब यूज़ करना है तभी आप माल ले लेते तो इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं थी। देन वी हैव कॉस्ट ऑफ डिटेरियोरेशन और ऑब्सोलेसेंस। सो यू नो समटाइम लेट्स से इफ देर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ रेड्स और इंसेक्ट्स, देन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू नो योर प्रोडक्ट मे गेट डिटेरियोरेटेड, और इफ इन केस ऑफ सम केमिकल्स दे लूज और गेन द वेट, ओके, डिपेंडिंग ऑन पासेज ऑफ टाइम। सो ऑल दिस आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस एंड दिस इज कनेक्टेड विद कैरिंग कॉस्ट। अनदर इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट इज द इंटरेस्ट ऑन फंड्स।
since you have bought let's say in large quantity, your money got blocked, okay? So you are paying interest on that money. So it means this is also due to storing high inventory. So interest on funds which you have used in purchasing is not the part of ordering cost, okay? It is the part of carrying cost. Humne purchase kiya, okay? That's a different thing. So ordering cost and carrying cost. So jab hum market mein borrow karke, when we are let's say buying on borrowed funds, we pay some amount as interest. So that particular interest is connected with the storage of material, hence it is a part of carrying cost. So I hope you are able to understand two types of cost. So first is ordering cost and second is called carrying cost. Now one thing they have written on the wrong side, basically here they should have written this. So this particular aspect should be written here. So there is a direct relationship between order size and the carrying cost. When you order in larger size, जितना ज़्यादा order करोगे उतना ज़्यादा storage का खर्चा बढ़ेगा, so higher will be the carrying cost due to high inventory. And when you order in smaller size, then smaller inventory or smaller storage space is required, hence carrying cost will be lower. So I hope this is very clear to you. So there is inverse relationship between ordering cost and the carrying cost. अब ये क्यों लिखा है? Look here, that was explained to you कि जब हम ज़्यादा order करते हैं बराबर, तो पूरे साल में कम orders करने पड़ेंगे तो ordering cost कम होगा, लेकिन storage का खर्चा बढ़ जाएगा. So there is an inverse relationship. आपने देखा यहाँ पर, जब ज़्यादा order किया था तो ऑर्डरिंग का खर्चा कम हुआ था, लेकिन जब ज़्यादा ऑर्डर किया है तब कैरिंग कॉस्ट इज मोर, स्टोरेज कॉस्ट इज मोर. सो एक ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो रहा है ज़्यादा ऑर्डर करने से, बट स्टोरेज कॉस्ट बढ़ रहा है. एंड रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, जब कम ऑर्डर किया तो पूरे साल में काफ़ी ऑर्डर करने पड़े, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ गया, लेकिन अगर कम ऑर्डर किया तो एक एडवांटेज भी है कि स्टोरेज कॉस्ट हमारा कम हो गया. सो यू नो प्लस एंड माइनस दोनों है. सो देयर इज इनवर्स रिलेशन एंड एवरेज इन्वेंटरी इज हाफ ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. नाउ व्हाट इज एवरेज इन्वेंटरी? नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू विद प्रैक्टिकल एग्जांपल. इन अकाउंटेंसी, यू नो, इन रेशियो एनालिसिस, समटाइम you are using this concept of stock, average stock, opening plus closing divided by 2. Now why do we do that? For example, let's say if I am ordering 1 lakh units every month, okay, or 1 lakh units mere godown mein hamesha rehte hain, okay, this is my target. But you know, ये 1 lakh का मैंने order किया है, उसके बाद gradually, you know, I will start using this, तो quantity will be lower and lower. So quantity will be 900, 800, 700, gradually it will come to 300, 200. Again I will order let's say 1 lakh units. So gradually, you know, this 1 lakh units will not be throughout the year. पूरे 1 lakh units मेरे गोडाउन में नहीं होंगे, बिकॉज उनमें से धीरे धीरे ग्रेजुअली आई विल स्टार्ट यूजिंग द इन्वेंटरी. सो ऑन एन एवरेज व्हाट वी डू, वी अज्यूम दैट के 50% ऑफ द आइटम्स, ओके, हैव बीन कंज्यूम एंड 50% आर इन द गोडाउन. सो 50% एवरेज इज एक्चुअली टेक्निकली करेक्ट, ओके, बिकॉज कभी कभी ऐसा होगा कि 80% गुड्स गोडाउन में है, 20% आपने कंज्यूम कर ली है. एंड रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, समटाइम इट इज़ पॉसिबल दैट कि
80% कंज्यूम कर ली है, सिर्फ 20% गोडाउन में है, तो बेसिकली हाफ, टेकिंग द हाफ विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सो एवरेज इन्वेंटरी इज नथिंग बट ईओक्यू, यानी कितनी क्वांटिटी आप ऑर्डर करोगे, और जितनी क्वांटिटी ऑर्डर करोगे हमेशा उतनी गोडाउन में नहीं होगी, ग्रेजुअली वो कम होती रहेगी, फिर से ऑर्डर करोगे कम होती रहेगी, फिर से ऑर्डर करोगे कम होती रहेगी. तो गोडाउन में एक्चुअली में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की हाफ, अप्रोक्सीमेटली हाफ गुड्स होता है. ओके, सो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू. सो हाउ टू डिटरमाइन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैन बी डिसाइडेड बाय वन फॉर्मूला अंडर रूट 2PD अपॉन C. नाउ हियर D स्टैंड्स फॉर एनुअल डिमांड, पूरे साल में कितनी डिमांड है रॉ मटेरियल की. प्लीज नोट, वी आर इन इन्वेंटरी, वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेंटरी. सी स्टैंड्स फॉर कैरिंग कॉस्ट. नाउ कैरिंग कॉस्ट इज एक्सप्रेस्ड एज पर यूनिट पर एनम, यानी मेरी रॉ मटेरियल की एक आइटम को गोडाउन में पूरे साल अगर मैं स्टोर करता हूँ तो कितना खर्च होगा. That is carrying cost per unit per annum. एक यूनिट को पूरे साल स्टोर करने का जो खर्चा है, that is carrying cost per unit per annum. Then P का मतलब है, P stands for placing an order. So basically this is the ordering cost. P का मतलब है ordering cost, and it is expressed as per order. Okay, ordering cost per order. ओके, सो अब एक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि आप ऑर्डर करते हो तो एक ट्रक वेंडर से आपकी जगह पर आने का, लेट से वो 5000 चार्ज करता है. ओके, सो वो 5000 और जो लेबर्स अनलोडिंग के लिए आप रखोगे वो 2000 चार्ज करेंगे, तो 7000 फिक्स्ड है. आप अगर क्या है कि 100 चीज़ मंगाओ या फिर 500 चीज़ मंगाओ, ये 7000 खर्चा करना ही है. सो बेसिकली इट इज़ एक्सपेक्टेड पर ऑर्डर, सो पर ऑर्डर का खर्चा सेम होता है. नाउ जनरली स्टूडेंट्स हैव वन कन्फ्यूजन, ओके, कि वो क्या समझते हैं कि इन ऑर्डरिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ परचेज इज कवर्ड, बट नो. ओके, सो प्लीज नोट हियर, कॉस्ट ऑफ परचेज, इन अदर वर्ड्स परचेज प्राइस इज नॉट द पार्ट ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट. ओके, परचेज कॉस्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट. परचेज करने के लिए जो हर बार हम ऑर्डर करते हैं और जो हर ऑर्डर का खर्चा होता है, दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट. सो कॉस्ट ऑफ परचेज इज नॉट द पार्ट of ordering cost. Ordering cost remains same. हर बार का ordering cost same ही होता है. Okay, this is what we assume. So there are few assumptions before we apply this formula. के पूरे साल में, as you see in formula we have D. D का मतलब है annual demand. तो पूरे साल में कितनी demand raw material की रहने वाली है वो आपको पहले से पता है. You already know that. Then rate of usage is same. Okay, there is no over usage or no under usage. There is, you know, proper evenly spread of usage is assumed. And only then we can apply the formula. That's very clear. Okay, suppose suddenly there is increase in your product, then you know EOQ, जो आपने decide किया इतनी quantity लेनी है वो कम पड़ जाएगी. And suppose if let's say के ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ कोरोना आपने जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिसाइड की थी, अब तो प्रोडक्शन ही नहीं है, डिमांड ही नहीं है, कंज्यूमर डिमांड ही नहीं कर रहा है, माल बिक नहीं रहा है, सो इन दैट केस आपकी ई ओ क्यू ज़्यादा मिल जाएगी फॉर्मूला से. सो वॉट इज अज्यूम दैट के रेट ऑफ यूसेज इज कॉन्स्टेंट, देर इज नो ओवर यूज, देर इज नो अंडर यूज. थर्ड वन आई हैव एक्सप्लेन जस्ट नाउ, कॉन्स्टेंट ऑर्डरिंग कॉस्ट. ऑर्डरिंग कॉस्ट इज सेम, जो ट्रक वाला वेंडर से आपकी फैक्ट्री तक 5000 चार्ज करता है वन टाइम का, वो उतना ही चार्ज कर रहा है. ओके,
ऐसा नहीं है कि वो एक बार 5,000, कभी 6,000, कभी 7,000, कभी 4,000, ओके, देन दिस फॉर्मूला विल नॉट बी ट्रू. देन कॉन्स्टेंट कैरिंग कॉस्ट, स्टोर करने का जो खर्चा है, ओके, कैरिंग कॉस्ट वो सेम है. एंड फॉर एग्जाम्पल गोडाउन की रेंट, गोडाउन की रेंट जनरली इट इज सेम, ओके. सो एंड इवन फायर इंश्योरेंस, तो पूरे साल में कैरिंग कॉस्ट आर जनरली सेम, बट हियर वी नीड टू अज्यूम दिस रिमेन सेम. अगर आपकी गोडाउन की रेंट बढ़ जाती है, सो इन दैट केस दिस फॉर्मूला विल नॉट गिव यू द करेक्ट आंसर. एंड नेक्स्ट इज जीरो लीड टाइम और डिलीवरी पीरियड. नाउ फॉर्मूला विल गिव यू कि भी कितना ऑर्डर करना है, बराबर. फॉर्मूला ये नहीं सोचेगा कि एक बार ऑर्डर कर लिया तो भी माल आने में टाइम लगेगा. लीड टाइम इज द टाइम टेकन राइट फ्रॉम यू प्लेस द ऑर्डर एंड टिल द टाइम यू एक्चुअली रिसीव द गुड्स इन योर गोडाउन. समटाइम्स इट इज पॉसिबल दैट के इफ यू आर इन गुजरात एंड ऑर्डरिंग विद अ वेंडर फ्रॉम राजस्थान, देन इट टेक्स सम टाइम, ओके, एटलीस्ट 1 or 2 days आर रिक्वायर्ड. सो हियर इन द फॉर्मूला वी आर अज्यूमिंग दैट कि उसी दिन ऑर्डर मिल जाएगा, ऑर्डर किया उसी दिन चीज़ें मिल जाएगी. सो वी आर अज्यूमिंग जीरो लीड टाइम और जीरो डिलीवरी पीरियड. जीरो मीन्स कि वी गेट सेम डे डिलीवरी, ओके. सो लेट अस प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड द सिचुएशन. एंड यू नो देर इज वन कंसेप्ट, जब आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी उतना ऑर्डर करते हो तो पूरे साल का आपका कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी PNC सेम होता है, ओके. एज वी नो कि प्रॉब्लम क्या था कि अगर हम कम क्वांटिटी ऑर्डर करते हैं देन ज़्यादा बार ऑर्डर करना पड़ता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाता है. लेकिन ज़्यादा ऑर्डर कर देते हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट तो सेम हो जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा, बट प्रॉब्लम ये होगा कि कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा. तो वी नीड टू हैव ए बैलेंस. सो इकोनॉमिक ऑर्डर इज दैट क्वांटिटी एट विच ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम आर इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट पर एनम, ओके. सो इट इज द लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट, हैंड्स इट इज कॉल्ड इकोनॉमिकल. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से ज़्यादा या कम ऑर्डर करोगे तो योर ओवरऑल कॉस्ट विल बी मोर. सो चलिए साबित करते हैं विथ वन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल. सो लुक हियर, एनुअल क्वांटिटी ऑफ जीन्स सोल्ड बाय अ शॉप इज 1,200, सो इट इज एनुअल डिमांड डी. And at the rate of 100 per piece, so it is price, okay. I can write it is purchase cost per piece. Then cost of placing an order and receiving the goods is 500 per order. So 500 per order, it is cost of placing, P means ordering cost. And inventory holding cost, please note holding cost means carrying cost, okay. Carrying cost means storage cost, but we use the word carrying because carrying covers more than this, just the storage cost. So carrying cost is 30 per annum, so it is पर पीस पर एनम, ओके. पर पीस पर एनम स्टोर करने का खर्चा है ₹30. सो दिस इज सी. सो वी हैव पी डी एंड सी विथ अस एंड दे आर आस्किंग व्हाट इज द EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी शॉपकीपर को कितना ऑर्डर करना चाहिए. So in examination, if such questions comes, then we need to write answer like this. Given that D, it means annual demand of jeans.
वी आर शॉपकीपर, जीन्स हमारे लिए रॉ मटेरियल वही है, हम परचेस करके वी आर डायरेक्टली सेलिंग. ओके, सो रॉ मटेरियल या जीन्स की एनुअल डिमांड इज गिवन एज 1200 पीसेस. देन वी हैव पी. पी इज नथिंग बट ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर. सो पी इज गिवन एज 500 पर ऑर्डर. देन सी इज कैरिंग कॉस्ट. पर यूनिट और पर पीस पर एनम. सो दिस वॉज गिवन एज 30 इन दिस क्वेश्चन. एंड अवर फॉर्मूला इज ई ओ क्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू पी इंटू डी अपॉन सी. सो इट इज अंडर रूट 2 इंटू 500 इंटू 1200 अपॉन सी विच इज 3030. सो 34 are 120. सो इट इज अंडर रूट 500 इंटू 80. 42 are 80. सो इट इज अंडर रूट 85 are 40 and 3 zeros 40,000. So it is under root. Now I can say it is 4 into 1 with 4 zeros, 4 into 10,000. So it is under root. 4 is 2 ka square and 10,000 is 100 ka square. So it is nothing but 2 into 100 ka square. Okay, so we know that square root ke andar square sign hai, so it will get cancelled. So it is 2 into 100. So answer is 200 pieces. So my economic order quantity is 200 pieces. ओके, सो आई नीड टू ऑर्डर इन 200 पीसेस. अगर इससे ज़्यादा या कम ऑर्डर करूँगा तो मेरा जो खर्चा है ओवरऑल वो बढ़ जाएगा. आंसर मिल गया है, बट प्रूफ. ओके, सो प्रूफ में मैं यहाँ पर टू एस्पेक्ट्स ऐड करूँगा. फर्स्ट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट per annum I will find, and second I will find total carrying cost per annum. Now look here, how to find total ordering cost per annum. So simply it can be found using the concept we kitne order place kiye hain into पर ऑर्डर कितना कॉस्ट है. सो इट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर इनटू पी, यानी एक ऑर्डर का खर्चा कितना है. नाउ नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी हम फाइंड कर सकते हैं. इट इज डी, एनुअल डिमांड कितनी है, डिवाइडेड बाय ई ओ क्यू, हर बार में हम कितना मंगाते हैं, इंटू पी. चलिए चेक करते हैं व्हाट इज एनुअल डिमांड. कैन आई से एनुअल डिमांड वॉज 1200 पीसीस? यस, इन दिस क्वेश्चन डिवाइडेड बाय वी हैव कैलकुलेटेड ई ओ क्यू, इट वॉज 200 पीसीस. सो 1200 ऑर्डर करने हैं साल में और हर बार 200 का ऑर्डर करेंगे तो टोटल 6 ऑर्डर्स करेंगे, और जब एक ऑर्डर हम करेंगे तब पी मीन्स ऑर्डरिंग कॉस्ट वॉज 500, 500 का खर्च होगा. ओके, सो 500 इंटू 6
3000, so total 3000 per annum खर्च होगा for ordering. यानी वेंडर ने कहा था कि भाई आप जीन्स कितनी भी ले लो, बराबर 200 लो या 2000 लो, मैं 500 रुपीस मेरा खर्चा चार्ज करूँगा फॉर सेंडिंग द गुड्स. तो ये हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट है 500. 6 ऑर्डर किए तो 3000 रुपीस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट हुआ. एंड यू नो इफ़ यू रिमेंबर आई हैव टोल्ड यू एट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आवर टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड आवर टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट विल बी सेम. चेक करते हैं पूरे साल का कैरिंग कॉस्ट सेम आता है या डिफरेंट आता है. नाउ कैरिंग कॉस्ट पर एनम इज नथिंग बट एवरेज इन्वेंटरी इनटू सी कैरिंग कॉस्ट. ओके नाउ एवरेज इन्वेंटरी इज ईओक्यू डिवाइड बाय 2. आई हैव एक्सप्लेन टू यू ईओक्यू 200 जीन्स जो आएगी तो दुकान में हमेशा 200 जीन्स नहीं रहेगी. ओके शुरुआत में 200 जीन्स होगी, धीरे धीरे 190, 180, 150, 100, देन 80, 40, 10. सो धीरे धीरे करके वो स्टॉक ख़त्म होता रहेगा. सो ऑन एन एवरेज हाफ इन्वेंटरी शॉप में रहेगी, हैंड्स वी टेक हाफ ऑफ ईओक्यू. एंड टू ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट इन दिस क्वेश्चन वॉज गिवन एज 30. यस सो ईओक्यू हमारा 200 का था डिवाइड बाय 2, यानी ऑन एन एवरेज 100 जीन्स शॉप में रहती थी और एक को स्टोर करने का खर्चा था 30. सो 30 एंड 2 जीरोस तो इट इज 3000 पर एनम. सो वी कैन से दैट बोथ आर इक्वल एंड माय टोटल इन्वेंटरी मैनेजमेंट कॉस्ट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट. सो 3000 प्लस 3000 इज 6000 पर एनम. नाउ देयर इज वन चैलेंज. ओके चैलेंज ये है कि देखो यहाँ पर मैंने ईओक्यू यानी ऑर्डर 200 लिया, ये 200 फॉर्मूला से मिला था. ओके बट यू नो आपको अगर विश्वास न हो, मैं कहता हूँ 6000 से कम खर्चा हो ही नहीं सकता. सो व्हाट यू कैन डू, आप ये है ना 200 की जगह पर 300 लेकर पूरे साल का ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट मिलाकर देखो. ओके सो इट विल बी मोर देन 6000. या फिर ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जहाँ जहाँ पर है उसकी जगह पर आप अपनी खुद की क्वांटिटी रख दो. आप सोचोगे सर हमें 200 का ऑर्डर नहीं करना है, ओके हम 400 का ऑर्डर करेंगे, नॉट एन इश्यू. आप ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की जगह पर आपकी खुद की कोई क्वांटिटी रख दो, 400 यूनिट्स रख दो. फॉर एग्जांपल आपको 400 क्वांटिटी में ऑर्डर करना है एंड फिर टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट फाइंड करो, अगेन इट विल बी मोर देन 6000. सो कोई भी कॉम्बिनेशन ट्राई कर लो, 100 इससे कम भी कर लो, चलो सर हम और छोटी क्वांटिटी से ऑर्डर करेंगे, 100 क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे, तो भी ये खर्चा यानी ये खर्चा 6000 जो है वो साइंटिफिकली मैथमेटिकली प्रूवन है कि इससे कम खर्चा ये सिचुएशन में नॉट पॉसिबल. सो इट इज़ मिनिमम, इससे कम खर्चा नहीं हो सकता. सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. इन एग्जामिनेशन इफ दे आस्क यू टू फाइंड ईओक्यू देन अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड फाइंड दिस आंसर, दैट्स इट. बट सपोज क्वेश्चन इज लाइक दैट, ओके कि फाइंड टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम, या फिर इफ दे आस्क टोटल कैरिंग कॉस्ट पर एनम, या फिर इफ दे आस्क के शो दैट एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट इज सेम, या फिर वो ऐसा पूछते हैं फाइंड द टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट पर एनम. सो इन दैट केस यू ऑल्सो नीड टू डू दिस वर्किंग. ओके
एंड माइंड वेल व्हेन आई से टोटल इन्वेंटरी मैनेजमेंट कॉस्ट, इसमें परचेज कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं है. ओके अगर लेट से जेब से कितने पैसे जा रहे हैं वो अगर मुझे फाइंड करना हो तो आई कैन ऐड परचेज कॉस्ट. अब ये परचेज कॉस्ट कैसे होगा, डी इंटू परचेज प्राइस पर यूनिट. एनुअल डिमांड कितनी थी जीन्स की, 1200, एंड एक जीन्स की परचेज प्राइस क्वेश्चन में दी थी, परचेज कॉस्ट पर पीस वो 100, सो इट इज 1240, 1,20,000. सो वैल्यू यानी टोटल जो मनी आउटफ्लो होगा वो हो जाएगा 1,20,000 कैश आउटफ्लो, मीन्स हाउ मच यू विल स्पेंड. सो 1,20,000 फॉर परचेज एंड 6,000 टू मैनेज द स्टॉक, सो इट विल बी 1,26,000. सो यू नो आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू मीन्स विद माइन्यूट डिटेल्स विद ऑल द नॉलेज बिकॉज दिस चैप्टर्स वी यूज टू सॉल्व इन अवर यू नो चार्टर्ड अकाउंटेंसी एज वेल एज इन कॉमर्स. सो इन कॉलेज लाइफ ऑल्सो दिस विल बी यूजफुल टू यू. सो आई हैव एक्सप्लेन इन अ वेरी यू नो प्रॉपर एंड डिटेल्ड मैनर एंड यू कैन सी दैट के देयर आंसर और थिंग इज नॉट इन दैट मच डिटेल. सो आई विल स्टॉप फॉर टूडे हेयर. वन मोर वीडियो आई विल टेक टू cover the remaining aspect. Okay, so third part will be the final for this chapter, so please go through it carefully and you can score good marks. You know entrepreneurship is very easy and I wish that you go through the videos properly, ask the doubts, understand the concepts well and pass with flying colors and best marks. Bye bye.